उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। सहावर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सहावर कस्बे के स्टेट बैंक चौराहा पर स्थित पाठक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शुक्रवार करीब रात 10 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन्वर्टर, बैटरी सहित आदि सामान जलकर राख हो गया। दुकान से आग की लपटों को उठता देख पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दुकान का शटर तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस व दमकल को सूचना देने के बावजूद समाचार लिखे जाने तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। घटनाक्रम के अनुसार कस्बे के स्टेट बैंक चौराहा पर मोहल्ला हंस नगर निवासी दिलीप पाठक, पुत्र सुरेंद्र पाठक की पाठक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान है। शुक्रवार को करीब 9 बजे दुकान बंद करके घर पहुंचे ही थे कि करीब 10 बजे दुकान में आग लगने की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सामान जलकर राख हो चुका था। आपको बता दें कि सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। सहावर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।